कि राम के पास ही ना विभीषण आते हैं, रावण के पास नहीं रहते विभीषण, तो राम के पास विभीषण आ गए। हम लोग तो सब दिन, भाजपा के लोग तो सभी वर्ग को जोड़ना चाहते हैं। ये राजद थोड़े है कि 15 साल किसी को आरक्षण ही नहीं दिया। नीतीश कुमार जी इसी तरह EBC के आरक्षण के विरोधी थे, सुप्रीम कोर्ट बार बार समझा रहा था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फटकार लगाया हाई कोर्ट ने, तब इनको करना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने कल BJP का दामन थाम लिया। अब उसके बाद जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज देखने को मिल रही है। रोहित, आपको बता दें कि अब जदयू के नेताओं के द्वारा RCP सिंह को विभीषण बताया जा रहा। अब देखिए, RCP सिंह को विभीषण बताए जाने पर जो बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि अब राम राज का स्थापना होगा और रावण का सर्वनाश होगा। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप इस वीडियो में देखिए। नहीं नहीं, एकदम मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ, विधानसभा का सत्र बुलाइए नीतीश कुमार जी, क्यों नहीं बुलाते, कानून बनाना चाहिए। और किसने विरोध किया ये तो बताइए। एक पेज के कैबिनेट नोट में नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव को हम लोगों ने सम्मति दिया, भाजपा के लोगों ने। इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार जी इसी तरह EBC के आरक्षण के विरोधी थे, सुप्रीम कोर्ट बार बार समझा रहा था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फटकार लगाया हाई कोर्ट ने, तब इनको करना पड़ा। इसलिए नीतीश कुमार जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह का बयान देने का। और जहाँ तक मामला है जातीय जनगणना का, हम लोग तो कैबिनेट में बैठकर, नीतीश कुमार ने यदि तैयारी नहीं किया था तो हम क्या कर सकते हैं भाई। उन्होंने प्रस्ताव लाया और हम लोगों ने सहमति दिया। 25 जून 2022 को राजद कैबिनेट में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में थी, और नीतीश कुमार तो यही बहाना बनाने के मुद्दे में बैठे थे, हम इसी मुद्दे पर भाग जाएं और बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड करा दें। अरे हम लोग तो सब दिन, भाजपा के लोग तो सभी वर्ग को जोड़ना चाहते हैं। ये राजद थोड़े है कि 15 साल किसी को आरक्षण ही नहीं दिया। भाजपा के लोगों ने सबके आरक्षण की चिंता की है। जदयू ने RCP सिंह को विभीषण कहा है, स्वाभाविक है, कहना भी चाहिए कि राम के पास ही ना विभीषण आते हैं, रावण के पास नहीं रहते विभीषण, तो राम के पास विभीषण आ गए। अब राम राज की स्थापना होगी और रावण का सर्वनाश होगा। तो अभी आपने देखा जो बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया और साफ साफ कह दिया है कि अब राम राज का स्थापना होगा और रावण का सर्वनाश होगा, और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि विभीषण है तो वो राम के पास ही ना आएंगे, थोड़ी ना वो रावण के पास रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जदयू पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दे दिया है सम्राट चौधरी ने और साफ साफ कह दिया है कि अब राम राज का स्थापना होगा और रावण का सर्वनाश होगा। और भी क्या कुछ कह रहे थे सम्राट चौधरी, अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े, तब तक के लिए धन्यवाद।